अच्छा, एनीबडी आउट अभी तक कोई नजर ना आया हो, बाहर कहीं खड़े हो चेक कर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शैल वी स्टार्ट? ओके, जूम सेशन में जो लोग हैं, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अबू बकर, एंसर असनात। जी सर, आ रही है आवाज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर असनात, आपने मुझसे रिसर्च पेपर शेयर करने थे, आपने नहीं शेयर किया अभी तक। काइंडली अगर वो शेयर करें ताकि आपका टॉपिक फाइनलाइज हो जाए, उस पर आप अपना काम शाम कंप्लीट कर सकें। थैंक आवाज, ठीक है सर, मैं आज शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। यू सर। अच्छा जी, ओके सर, लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आगे जी, आप आज मुबारक हो। कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं करते तुम, लगता है बस सो के उठते हो, और या तो चल पड़ते हो या सो जाते। नहीं, मैं तुमसे सवाल ये कर रहा हूँ कि लास्ट क्लास में आप आ गए थे, तो आपने बिल्कुल पेपर में किसी से नहीं पूछा कि पेपर वाले दिन, पेपर वाले वीक में क्लास नहीं होती। अच्छा नहीं, लेकिन एग्जाम वीक जो है उसमें क्लास नहीं होती। एक दफा पहले भी आपने किया था, मैंने आपसे कहा था कि पूछ लिया करो। देखो जी शाह साहब, आपकी गलती है, आपने लेट रिप्लाई की। अच्छा चले, बहरहाल तरीका ये होता है कि पूछ लेता है ना बंदा, कंफ्यूजन हो तो। आप, मैंने पहले एक दफा आपको कहा था कि एक दफा, एक दिन पहले कंफर्म कर लिया ताकि आप अननेसेसरी, वैसे आप आते नहीं हो, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आ जाते हो। अच्छा, ये तो आप ही कर सकते हैं, आपका कमाल है, बाकी आसान नहीं है वैसे ऐसा करना।
लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी, अगर इफ समबडी कैन जस्ट रिपीट दैट और एक दफा जरा। ठीक है और प्रपोजल के कंटेंट डिस्कस किए थे कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और इसके अलावा जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं कि जी अगर आपने चेक करना हो तो ग्रामरली का इस्तेमाल अगर हम यूज करना चाहें कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या फायदे हैं, जो ऑफिशियल वर्जन है ऑफिस का उसके अंदर आपको ये सारी चीजें ऑप्शंस मिल जाती हैं, एक एडिटर टूल है उसको इस्तेमाल करना। हाँ और फिर आपने इसके अलावा ठीक ठीक दैट कम्स अंडर द कंटेंट व्हिच वी डिस्कस्ड ऑन द प्रपोजल्स, के जो डिफरेंट टाइप के प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं और किस तरीके से उनके अंदर फिलिंग होनी है। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपके पास जो यूनिवर्सिटी का सैंपल प्रपोजल डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल है, और उसको आपने आप फिलिंग शुरू कर दें, उसमें आप ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन लिख भी चुके हैं। जो हेडिंग्स मैंने लिखवाई थी वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि वो हेडिंग्स को पिक्चर लेके आप ग्रुप पे शेयर कर लें, वो शायद साहब ने शेयर तो नहीं की, लेकिन ये कि बहरहाल मैंने स्टिल लेक्चर में वो चीज़ कवर थी, तो जिन्होंने लेक्चर देखा है उनको वो चीज़ पता होगी कि क्या क्या कॉन्टेंट के अंदर चीज़ें हैं। इफ आई जस्ट रिकॉल तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन सेक्शन एक होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, उसके बाद अगर लिटरेचर रिव्यू कर लिया तो गैप एनालिसिस आप करते हैं, गैप एनालिसिस की बेस पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपके रिसर्च क्वेश्चन निकलते हैं, रिसर्च क्वेश्चन से रिसर्च ऑब्जेक्टिव सामने आते हैं, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैथडोलॉजी डिफाइन करते हैं आप, और जब मेथडोलॉजी डिफाइन हो जाती है तो फिर अपनी टाइमलाइंस देते हैं और अकॉर्डिंगली रेफरेंसेस जो आपने मेंशन करने होते हैं वो आप देते हैं। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो कि जनरली स्पीकिंग 15 से 20 पेजेस के दरमियान होना चाहिए वो आप बनाने के काबिल हो जाते हैं, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि मिनिमम 40 के करीब रेफरेंस होने चाहिए, 20 के करीब सॉरी रेफरेंस इसमें होने चाहिए, रिसर्च पेपर में 40 के करीब होने चाहिए, बट 20 के करीब रिसर्च रेफरेंसेज होने चाहिए जिसके अंदर आप कम से कम 20% रेफरेंसेस ऐसे हो जो कि लेटेस्ट या पिछले 2 से 3 साल के दरमियान छपे होंगे। और इस तरह की हमने कुछ बातें डिटेल में लास्ट लेक्चर में की थी, फिर मैंने आपको कुछ टास्किंग भी दी थी, असाइनमेंट दी थी, वो क्या थी? टेम्पलेट्स में मैंने आपसे फिर आपको दो टेम्पलेट तो एक ही होता है, लेकिन मैंने आपको कुछ गोल्ड सैंपल्स दिए थे जिनको देख के आप अपना रिसर्च प्रपोजल फिल कर सकते हैं कि कैसे लोगों ने लिखा हुआ, आइडिया लेने के लिए। तो मैंने आपसे दो डिफरेंट एरियाज इंजीनियरिंग साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज के अलग अलग अप्रूव्ड रिसर्च प्रपोजल भी शेयर किए थे फॉर दी पर्पस कि आप उसको देख के अंदाजा हो सके आपको कि लोगों ने कैसे ये काम किया है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो उसके मुताबिक आपने अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करनी है वैसी ही जैसे वो तैयार हुई हुई है, सही है? तो वो सेपरेट शेयर हुए थे, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। टास्किंग मैंने कोई दी थी कि ये काम आपने बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट क्लास में करना है, क्योंकि एक वीक का गैप था, एग्जाम था, एग्जाम की बात हम करते हैं, बट ये कि जो टास्किंग दी थी वो कुछ अगर याद है या लिखी है तो वो जरा चेक करके बताएं मुझे, टास्क क्या दिया था? जी कौन रिपीट करेगा बताएं?
याद नहीं, लिखा कुछ नहीं? दो चीजें हमेशा हम डिस्कस करते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर क्या चीज ऐड करनी है और लिखने के लिहाज से क्या काम करना है। तो लिखने वाला काम, अगर अभी आपको मैंने याद कराया कि प्रपोजल डॉक्यूमेंट में कुछ मैंने आपको कहा था कि ये चीज ऐड करनी है या ऐड, या पहले आप इतना कर चुके हैं इतना और कर लें। काम काम वो तो आज से 3 हफ्ते पहले कहा था। तुम 3 हफ्ते पुरानी बात कर रहे हो, थोड़ा प्रोसेसर तुम्हारा स्लो चल रहा है। कि मैंने टॉप कॉन्फ्रेंसेस की बात की थी, बिल्कुल की थी ऐसे ही वाली, लेकिन वो मसल में 4 हफ्ते पहले की थी, है ना? तो उसके बाद से आज क्लास में आए हो। नहीं, लेकिन वो इसकी टास्किंग नहीं थी। मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि यार प्रपोजल डॉक्यूमेंट आपके पास आ गई है, आपने लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ था, अब आप इंट्रोडक्शन सेक्शन फिल करें इसका। नंबर 1, लिटरेचर रिव्यू ऑलरेडी आपने कुछ लिखा है, उसको इम्प्रूव करके वो भी लिटरेचर रिव्यू भी इसमें फिल इन करें, और मेथोडोलॉजी पे होमवर्क शुरू करेंगे। क्या आपका तरीकाकार क्या है, उसकी ब्लॉक डायग्राम बना लें, एटलीस्ट प्रेजेंटेशन में डाल लें, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन भी देनी है ना। तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपने इन्हीं के अंदर से इसी डॉक्यूमेंट्स में चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो डॉक्यूमेंट को आप इस हद तक तैयार कर लें कि प्रपोजल डॉक्यूमेंट के अंदर उसका टाइटल पेज, उसके बाद इंट्रोडक्शन सेक्शन, जिसकी पंच लाइंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि इंट्रोडक्शन लिखना है तो 3 चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। अगर अपने आप नोट्स चेक करें, 2 हफ्ते हो गए ना, थोड़ा जंग लगा हुआ है, चीजें बिल्कुल नहीं देखी आप लोगों ने। मैंने कहा था जी कि इंट्रोडक्शन अगर लिखनी हो तो उसमें आप नंबर 1 इंट्रोड्यूस करते हैं प्रॉब्लम को, देखें अपने नोट्स देखें, फिर आप फिर उसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं, और फिर उसके बाद अपने अपने सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इंट्रोडक्शन सेक्शन में आता है, ठीक है? फिर लिटरेचर रिव्यू सेक्शन की हमने बात की कि लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में आपने तकरीबन 20 पेपर जो है उनको आपने मुख्तलिफ उनके तरीके को एक्सप्लेन करना है, थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ के, इस मेथड में इस तरीके से ये काम हुआ है, इस मेथड में इस तरीके से काम हुआ है, क्योंकि आप प्रॉब्लम ऊपर इंट्रोड्यूस करके आए हैं तो उसके आप सोल्यूशन बता रहे हैं कि इस पर लोगों ने कैसे काम किया। तो आप थोड़ा थोड़ा बताएंगे जो ये 3 1 पेज जो है आपके लिटरेचर रिव्यू में फिट इन होंगे। और लिटरेचर रिव्यू के लिए मैंने आपको एक रिसर्च पेपर दिखाया था कि कैसे लिटरेचर रिव्यू में चीजें मिक्स करते हैं, एक टोन में बात नहीं करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप बताते हैं। कभी आप कहेंगे जी के रिसर्चर्स एंड को ऑथर्स, कभी आप कहेंगे ऑथर्स इन पेपर, कभी आप कहेंगे डैश पेपर का रेफरेंस दे के बात करेंगे, कभी आप कहेंगे मिस्टर रिचर्ड एंड कुलीग्स हैज स्टेटेड, और इस तरीके से आप चीजें मिक्स एंड सॉर्ट ऑफ एक पर्टिकुलर स्टाइल ना हो जाए, थोड़ा चेंज करके मिक्स करके, ताकि पढ़ने वाला उससे इंटरेस्टेड रहे। मैंने आपको एक रिसर्च पेपर स्पेशली दिखाया था जिसमें ये सारे के सारे मुख्तलिफ तरीके कोट हुए हुए थे, और साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था, क्योंकि हमने एक चीज और भी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स, ठीक है, जो कि आपने मुझे नहीं बताई। कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स भी हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से क्या क्या गलतियां हम लिखने में करते हैं। तो मैंने कहा था कि उन कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स को आप अप्लाई करें जो अब तक आपने प्रपोजल लिखा है या जो लिटरेचर रिव्यू लिखा है, और इम्प्रूव करें उसके अंदर। जो कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स थी जो मुझे याद आती है, आपने थर्ड पर्सन में बात करनी है, आई वी का यूज नहीं करना, यू का इस्तेमाल नहीं करना, राइट? फिर मैंने कहा था कि प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है, पास्ट टेंस यूज नहीं करना है। तो चाहे आप 50 साल पुराना पेपर रेफर कर रहे हैं, बट वो पेपर आज पढ़ रहे हैं हम, इसलिए यू कैन ऑलवेज से द ऑथर्स इन पेपर फ्लॉ स्टेट, लिखते हैं वो क्योंकि उन्होंने लिखा है, ठीक है, पुराना लिखा है, लेकिन आप आज पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कुछ और मिस्टेक्स भी बताएंगी, ठीक है? जस्ट गो थ्रू दैट, देर आर अराउंड 10 to 12 मिस्टेक्स विच वन हैज टू अवॉइड वाइल राइटिंग। तो उनको मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी प्रपोजल डॉक्यूमेंट को फिल करना था, ये रिक्वेस्ट की थी मैंने आप, ठीक है? सो आई डोंट नो आपने उसको किया है कि नहीं किया, लेकिन याद रखें कि उसके अंदर से मार्किंग होनी है उसकी, वो आपने फाइनल डे में मुझे डॉक्यूमेंट जमा करानी है, ठीक है? उसकी मैक्सिमम वेटेज है आपकी प्रपोजल डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो उसके अंदर जो चीजें लिखवा ली थी मैंने आपसे, या जो लिखने का रिक्वेस्ट की थी, इंट्रोडक्शन सेक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ये 2 चीजें आपने कर लेनी है। मेथोडोलॉजी पे आज आप काम करेंगे, और अब नेक्स्ट क्लास में आपने मेथोडोलॉजी के पोर्शन को भी कंप्लीट करना है, राइट? रेफरेंसेस का सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट है, टाइमलाइंस आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, नहीं की तो उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपकी प्रपोजल डॉक्यूमेंट मेरी नजर में ऑलमोस्ट रेडी है।
बट अगर फिर भी थोड़ा काम है तो उसको आप एफर्ट करें इस वीक के अंदर, और यू हैव टू फिनिश ऑफ इन दिस दी 7 डेज। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी रिमोट स्टूडेंट्स? जी अबू बकर, सुन रहे हैं मेरी बात आप? मदीहा जी सर, मैं जी, सुन रही हूँ। आवाज आ रही है आपको? सरसनाद, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है क्लियर सर, चले जी, मैं आवाज आ रही पूछ है रहा था कि एकदम एनी साफ। क्वेश्चन, मैंने कुछ चीजें भी रिपीट की हैं, आपका कोई सवाल इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है? नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है। चले गुड, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो ये चीजें जो बताई हैं काइंडली इनको थोड़ा एक्सपेडाइट कीजिए ताकि काम पे टाइम पे आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाए। हाँ, ये तो पार्ट था जो कि मैंने आपको लिखने का दिया। प्रेजेंटेशन पार्ट के अंदर भी मैंने रिक्वेस्ट कुछ की थी कि उसको आपने अब कैसे लेके चलना है, तो अगर कोई रिपीट कर सके पहले, अगर देखें नोट्स बनाया करें आप। आई एक्सपेक्ट कि यू आर मेकिंग नोट्स, कुछ ना कुछ शॉर्ट चीजें नोट किया करें। जी सरसनाथ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, वैसे ही वो मिस्टेकनली यहाँ लग गया था। चले मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा एक दफा आप लिए। मैंने कहा था कि प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आपकी बनेगी प्रपोजल डॉक्यूमेंट के अंदर से ही। सो पहली स्लाइड आपकी बनती है टाइटल स्लाइड, जिसपे अपना नाम लिखते हैं, अपने सुपरवाइजर का नाम लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं कि ये मेरा टाइटल है रिसर्च का। मैंने उसमें आपको कहा था कि किस तरीके से क्या फॉन्ट यूज करना है आपने, वाइट बैकग्राउंड ब्लैक राइटिंग के साथ एरियल फॉन्ट इस्तेमाल कीजिए, साइज 24 28 जो विजिबल होता है क्लास में हर एक को। छोटा साइज इस्तेमाल नहीं करना, रीजनेबल साइज हो जो कि आप जब क्लास में आए तो पहले देखें कि लास्ट सीट के ऊपर अगर आप जाके बैठे तो आपको खुद विजिबल हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपने नहीं देखनी है, आपके ऑडियंस ने देखनी है, तो प्रेजेंटेशन हमेशा ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये कुछ रूल्स फॉलो करें, इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर बनेगी। बेहतर ये होता है कि व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक टेक्स्ट यूज करें, एरियल फॉन्ट इस्तेमाल करें, और एरियल फॉन्ट में साइज मैंने आपको बता दिया है कि 24 या 28 साइज जो होता है वो रीजनेबल साइज होता है। और कलर शलर को अवॉइड करें, जितने कलर डालेंगे उतने आप कंफ्यूज होंगे, जगह खराब होगी, स्लाइड जो है वो आपकी प्रॉपर बनेगी नहीं। नंबर 1, तो पहली स्लाइड आपकी हो जाएगी टाइटल स्लाइड। सेकंड स्लाइड पे आप अपना लिटरेचर रिव्यू शुरू करते हैं, सॉरी इंट्रोडक्शन देते हैं पहले आप, नॉट लिटरेचर रिव्यू, यू कम टू द इंट्रोडक्शन। एक स्लाइड इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए जिसमें आप अगेन वही सिमिलर चीजें जो आप लिख कर आए हैं, प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करें, उसकी इंपॉर्टेंस को बताएं एक आध बुलेट के अंदर, और अपने सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करें। तो इट शुड बी इन बुलेट फॉर्म, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, याद रखें सारे स्लाइड्स के ऊपर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर होना चाहिए, वहां पे है फाइन, यहाँ पे बुलेट्स फॉर्म में या मिनिमम वर्ड्स के अंदर आपने अपने मुद्दा को बयान कर लिया। समझ गए? एक बुलेट में तो दो वर्ड्स होते हैं, सिर्फ दो तीन वर्ड्स होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने सुटेबली देखना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, मिनिमम एक लाइन काफी होती है, सिंगल लाइन टेक्स्ट है ना, फिर तो 3 लाइनों पर तो टेक्स्ट आ गया। तो आपने स्लाइड को सिर्फ देखना होता है कि इसमें क्या, मैंने अगली बात क्या करनी, बात आपने करनी होती है, वहां से पढ़नी नहीं होती है। तो इट शुड नॉट बी अ न्यूज एंकर रोल, यू शुड नॉट रीड फ्रॉम दी स्लाइड्स, यू शुड सी दी स्लाइड टू नो व्हाट पॉइंट यू आर गोइंग टू टॉक। बट आपने एक क्लास में अपना आई कॉन्टेक्ट रख के बात क्लास से करनी है, स्लाइड से नहीं करनी है। आई रिपीट, स्लाइड से बात नहीं करनी है, न्यूज एंकरिंग वाला रोल नहीं करना है, उससे पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है हाँ जी क्या है, क्या बात मैंने करनी थी। तो
मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश ये करनी चाहिए, या चले कोई मिनिमम एक आध लाइन लिख ली आपने तब भी कोई बुराई नहीं है, बट नॉट मोर देन सिंगल लाइन इन वन बुलेट, ठीक है? सो द टेक्स्ट इज नॉट मच। अच्छा जी, सो सेकंड स्लाइड की मैंने आपको बात कर ली, एक स्लाइड इंट्रोडक्शन की काफी होती है। देन यू गो ऑन टू द लिटरेचर रिव्यू, और लिटरेचर रिव्यू के ऊपर आप एटलीस्ट 5 मोस्ट रिलेटेड रिसर्च पेपर्स की ब्लॉक डायग्राम डालते हैं, ब्लॉक डायग्राम वन बाय वन। पहला मेथड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ठीक है? लेट मी शो यू अ सैंपल प्रेजेंटेशन एज वेल। पहले नोट कर ले, मैं आपको एक दफे दिखाता हूँ। सो वन बाय वन आप 5 मोस्ट रिलेटेड रिसर्च पेपर्स उनको आप वन बाय वन बताते हैं एज अ लिटरेचर रिव्यू, कि मैंने एक सोल्यूशन ये देखा है, ये इस तरह से इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ये प्रॉज हैं, ये कॉन्स हैं, ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं। फिर दूसरे मेथड पे चले जाएंगे, ये सेकंड मेथड है, ये इस तरह से हुआ हुआ है, इसके ये प्रॉज ये कॉन्स, ये एडवांटेज ये डिसएडवांटेज, ये फायदे ये नुकसान। देन यू मूव ऑन टू थर्ड मेथड, अगेन ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करें, उसके मेजर फीचर्स बताना चाहते हैं, कोई सैम्पलिंग टेक्निक बताना चाहते हैं, पॉपुलेशन साइज बताना चाहते हैं, कोई मेथोडोलॉजी का नाम लिखना चाहते हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का बताना चाहते हैं, एक ही स्लाइड के ऊपर एक मेथड को उसके सीधा सीधा पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, बट फिनिश इट ऑफ, देन गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, फोर्थ मेथड, फिर पांचवा मेथड। सो 5 स्लाइड्स पे 5 मेथड मिनिमम आपके आने चाहिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसपे एक आप समरी डाल सकते हैं और कुछ पेपर्स की जो आपने पढ़े इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म मींस के एक ही पे आप सिर्फ टाइटल लिखे, जर्नल का नाम लिखे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखे और उसके प्रोस कॉन्स बता दे, तो आप उसमें कंप्लीट जो डिटेल्स है वो एक मैट्रिक्स के अंदर डाल सकते हैं इस तरीके से। सही है? सो अब मुझे अगर रिपीट करें मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने कहा है कि इंट्रोडक्शन में आपने 3 चीजें मुतारिफ करानी है, इंट्रोड्यूस दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात अभी नहीं की मैंने, इंट्रोड्यूस दी प्रॉब्लम, आप सिर्फ बताएं कि ये मसला क्या है, 2-3 पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स, फिर आप उसकी इंपॉर्टेंस बता देंगे जी मसला अहम है इस वजह से अहम है, फिर आप बता दें जी कि मैं जो सोल्यूशन देने जा रहा हूँ वो मोटे तौर पर इस तरह का होगा, इंट्रोड्यूस कर दें बस। अब ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं कि किस तरीके से एक स्लाइड पे आप ये चीजें लेकर आते हो विद नॉट नो टेक्स्ट, नाउ दिस कम्स देयर कम्स योर इंटेलिजेंस, वो आप सोचना है आपने कि मैं क्या करूं। इसके बाद आपने अगली 5 स्लाइड्स पे 5 डिफरेंट रिलेटेड मेथड्स डिस्कस करने हैं जो कि पब्लिश्ड हो, रिसर्च पेपर्स हो, ठीक है? दिस इज फॉर एवरीबडी, जो कि ऑनलाइन और वो भी मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो काइंडली इसको नोट डाउन जरूर कीजिए, कोई चीज इसमें अगर डाउट है मुझसे जरूर पूछें। 5 रिलेटेड रिसर्च पेपर वन बाय वन विद प्रोज एंड कॉन्स विद देयर सम बेसिक या कहेंगे इंपॉर्टेंट सीधा सीधा पॉइंट्स मे बी, वो आप यू कैन इंसर्ट दोज इन दी स्लाइड्स, एंड देन नेक्स्ट 6 स्लाइड के ऊपर आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं ऑफ सम अदर रिलेटेड रिसर्च पेपर्स जो आप समझते हैं कि मैंने पढ़े और अच्छे थे, उनमें ये चीजें थी। एक स्लाइड पे ब्लैक ब्लॉक डायग्राम आएगी ना तो जगह बचेगी उसके ऊपर, तो आप उसमें कुछ मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, पॉइंट्स फॉर्म में, टेक्स्ट नहीं लिखना, पॉइंट फॉर्म में लिखना। मैं आपको भी एक सैंपल दिखाता भी हूँ, ठीक हो गया?
अब आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, तो लॉजिकल सेंस है कि लिटरेचर रिव्यू के बाद अब आप करते हैं, अब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि अब आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बेस पे अपना मेथड डिफाइन करना है, तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक स्लाइड बनाएंगे उसके बाद। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको मैं एड्रेस करूंगा, क्योंकि यहाँ आने का मकसद क्या है, आप पेपर जो डिस्कस करके आए हैं वहां पे आपने ये चीज फिगर आउट की है कि क्या क्या मसले हल हो चुके हैं, उनमें क्या क्या गैप्स रह गए, तो मैं अब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ जिसकी बुनियाद पे मैं अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस डिफाइन करूंगा। तो इसके बाद आएगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की स्लाइड, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होनी चाहिए, याद रखें प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि मसला क्या है, वो दो तीन लाइन से बताएंगे जी ये इशू है, इश्यूज शुड बी मेंशन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये स्लाइड नंबर जो भी नेक्स्ट बनती है, काउंटिंग आप कर रहे हैं, मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस सही है, आप उसको जिस तरह से इजी लगता है आपको आप देखें उसको। बहरहाल ये कि इट इज द नेक्स्ट वन, साथ आवाज आ रही है आपको? चलिए वैसे आवाज आ रही है आपको, अच्छा जी ठीक हो गया। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की स्लाइड आ गई, उसके बाद आपकी आ जाएगी जनाब रिसर्च क्वेश्चंस की स्लाइड, क्योंकि उसके अंदर से आपने रिसर्च क्वेश्चंस डिफाइन किए हैं। रिसर्च क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 3 to 5 रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। वंस रिसर्च क्वेश्चंस आर डिफाइंड देन यू मूव ऑन टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एंड ये अगली स्लाइड आ गई रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की, और आफ्टर दैट यू हैव योर ओन प्रपोज्ड मेथडोलॉजी स्लाइड, कि मैं अब इस तरीके से इसको करने जा रहा हूँ, उसमें ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने देखने हैं, मेरी सैम्पलिंग टेक्निक, मेरे पॉपुलेशन, मेरी मेरी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, वट एवर इम्पॉर्टेंट यू थिंक शुड क्लेरिफाई योर प्रपोज मेथडोलॉजी, यू कैन ब्रिंग ऑन 1 or 2 slides, ठीक है। एंड आफ्टर दैट That comes your timelines. This timeline which I'll follow. Research questions. Timelines methodology के बाद आएगी। Timelines में ये होता है कि अब मैं क्या क्या करूंगा जिससे मैं अपने काम को complete कर सकूं। Thesis. फॉलोड बाई दी रेफरेंसेज, एक या दो स्लाइड्स पे आपके रेफरेंसेज, वो जो 20 रेफरेंस आपने टोटल किए हैं वो आप यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन बनेगी, इनमें से हर चीज आप पार्शली कर चुके हैं, अब उसको आपने रिफाइन करें, आपके पास टाइम आपके 2 हफ्ते ही है, इसमें आपने इसमें इस चीज को फाइनलाइज करना, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स इन पैचेस, अब उसको आपने कंपाइल करना, एक जगह पे लेकर आना, ठीक है। लिखना भी है, प्रेजेंटेशन भी बनानी है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज नाउ योर एंटायर ग्रेडिंग विल डिपेंड अपॉन योर प्रेजेंटेशन एज वेल एज योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट। इफ इट इज गुड, ऑटोमेटिकली आपका पेपर भी अच्छा होगा, हर चीज अच्छी हो जाएगी। पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, मिड टर्म एग्जाम सबका, इट वॉज ऑल फ्रॉम योर जो आपने पढ़ा था क्लास में, और या जो आपने रिसर्च की थी, जो आपने टॉपिक डिसाइड किया था उसके अंदर से सवाल थे, ऐसे ही है आलमगीर साहब, ठीक हो गया। बस सर यही चीज में डेम तो थोड़ा सा मैंने बड़ी ट्राई की कि हम देख लें, उसने एक न्यूमेरिकल किया था, सिंपल था, लेकिन इसको जब आपने कंप्यूटर की बात की तो मैं कई बार नहीं कर सकता, तो वो कंप्यूटर की लाइक कोई बात नहीं, आपने अगर अगर आपने एक्सप्रेशन लिख दिया तो इट्स फाइन, लेकिन भी हमने कोशिश की, लेकिन पहली बार भाई इस पेपर हमारे लाइक में आया, अच्छा चले समझ आ गई बात, गुड।
चलें, गुड, अच्छी बात है। अच्छा मैं आपको एक सैम्पल प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, इससे पेशतर कि हम रेगुलर कंटेंट ऑफ द लेक्चर पे जाएं। लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। अच्छा मिक्स होने चाहिए, चेंज डाइवर्सिटी नहीं आती, फिर डाइवर्सिटी चाहिए ना चीजों को। सर ये शर्त होगी कि ये रिसर्च पेपर को पहले हमारी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं या रिपोर्ट्स हैं या एनुअल रिपोर्ट्स हैं कंसल्टेंट की वो मैंने आपको उस वक्त ही जवाब दिया था कि वो नहीं है रिसर्च डोमेन, ये फॉर्मल डिफेंस या फॉर्मल रिसर्च जो है उसमें फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसको वेबसाइट आप उसको आप एज अ बैकग्राउंड डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर लिटरेचर रिव्यू एक आध ठीक है, चले एक आध आप उसमें से डाल लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि सारे के सारे आप वही डाल दें। अच्छा रेफरेंस रिसर्च पेपर्स, देखें ये रिसर्च जो है ना, दिस इज रिसर्च पेपर्स इंटेंसिव, इसमें ये वाइट पेपर्स, सर्वे रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, इनकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज दोज आर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। तो क्लासिफाइड रिसर्च में देर इज नथिंग क्लासिफाइड, अगर कहीं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट आ रही है तो इट मीन्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एज वेल एज देखिए, प्रोजेक्ट में और थीसिस में एक फर्क होता है। यू आर नॉट डूइंग अ प्रोजेक्ट, आप वाटर बोर्ड के लिए एक प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, आप एक ऐसा थीसिस कर रहे हैं जिसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो दुनिया भर में लोग बैठे हुए हैं सिविल इंजीनियर्स वो उससे फायदा उठा सके। तो आप ठीक है एक उसमें शेड रख सकते हो कि आपने एक रिपोर्ट कोई डिस्कस की है, बट शुड नॉट बी रिपोर्ट्स इंटेंसिव, इट शुड बी रिसर्च पेपर इंटेंसिव, बस ये याद रखें। अगर पांच आपने ये डिस्कस करने हैं उनमें आप एक आध डाल लें, कोई बुराई नहीं, कि जी एक रिपोर्ट ऐसी हुई हुई है। अच्छा आप उसको बेशक जो भी नाम दें लेकिन वो रिसर्च की दुनिया में रिसर्च नहीं है, वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है, चूंकि आप वहां बैठे हुए हैं इसलिए आप ऐसे सोच रहे हैं, दुनिया में वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। किसी ने एक प्रोजेक्ट किया, एक टीम को एक प्रोजेक्ट दिया गया, उस टीम को पैसे दिए गए, उस टीम को रिसोर्सेज दी गई, उस टीम को टाइम दिया गया, उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसकी एक रिपोर्ट बनाई और अपने डिपार्टमेंट में जमा कराई, दैट्स ऑल, खत्म। इट्स नॉट अ रिसर्च प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोजेक्ट, यू हैव बीन हायर्ड टू डू दैट प्रोजेक्ट। नाउ रिसर्च इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दैट थिंग। रिसर्च या आप जिसको कहते हैं फॉर्मल एमएस थीसिस करना जो होता है, उसमें आप फॉर्मली जो पेपर्स लिखे जाते हैं उनको फॉलो करते हैं, जो कि किसी रिसर्च जर्नल में लिखे जाते हैं या रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज में लिखे जाते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशंस की वाइट पेपर्स को टच करते हैं, ठीक है, कंप्लीटनेस के परस्पेक्टिव से आप उनको पढ़ भी सकते हैं, रेफर भी कर सकते हैं, बट ये नहीं कि उनको ही टोटल फोकस कर जाएं और बाकी चीज़ों को छोड़ दें। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ले सकते हो, एक आध लेने में कोई बुराई नहीं, बट आपके 80% कंटेंट रिसर्च पेपर्स बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, 20% आप वहाँ से समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ऑल्दो आई स्टिल से कि वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होगी कि वो भी अगेन किसी एक टेक्नोलॉजी टेक्निक की बेस्ड पे प्रोजेक्ट हुआ होगा, तो उस टेक्नोलॉजी और उस टेक्निक का कोई रिसर्च पेपर भी होगा। आपने एक डैम बनाना है ना, तो वो डैम किसी एक बंदे ने पहले प्रपोज किया होगा, सिमुलेट किया होगा, उसके ऊपर रिसर्च पेपर होपफुली लिखा होगा,
तो अगर आपने उस, अब वो डैम बन गया और डैम की रिपोर्ट निकाल ली आपने, जी कि रिपोर्ट ऐसे बनी हुई है, तो आई वुड से नहीं, रिपोर्ट ठीक नहीं, आप उस बेसिक आइडिया पे जाएं जिसके तहत वो डैम बना था। जिस वक्त वो टीम फॉर्मुलेट की गई, उन्होंने एक टेक्निक या एक टेक्नोलॉजी को फॉलो किया, वो टेक्नोलॉजी पब्लिश्ड होगी। नहीं समझ आई? जैसे हम डेम्स की स्टडी करते हैं मैं समझ रहा हूँ कि बात, आप उसको रिसर्च कह रहे हैं, मैं उसको रिसर्च नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको सर्वे कह रहा हूँ, ठीक है? वो रिसर्च नहीं है, रिसर्च जो है वो इनफैक्ट जो दुनिया जिसे रिसर्च कहती है ना, जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपका माशाल्लाह लेवल थोड़ा सा, अब आप उस अपनी लाइफ के उस लेवल पे हैं जहाँ पे आपकी मेच्योरिटी सबसे बहुत ज्यादा है, आपने फील्ड में वो चीजें देख ली हैं जो कि, जिनकी वजह से आप कंफ्यूज हैं। अगर आप इनको, इनकी एज ब्रैकेट को ध्यान में रखें, तो ये उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे हुए जिससे आप गुजरे हैं, ठीक है? तो इनके लिए दुनिया कहती है ये वो रिसर्च नहीं जो आप कह रहे हैं, ठीक है? इनके लिए रिसर्च ये कि इन्होंने ग्रेजुअली कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ 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 के उसकी बेस पे अपनी नॉलेज बेस बनानी है और फिर प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है। प्रैक्टिकल डोमेन में आप चूंकि गुजार के आ चुके हैं, तो आप प्रैक्टिकल डोमेन को मिक्स कर रहे हैं अभी इसके साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल